गुरु रविदास की महिमा सुनकर और पवित्र जीवन को देखकर बहुत से राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। एक बार झाली नाम की रानी चित्तौड़ से गंगा स्नान के लिए काशी आई। उसने गुरु रविदास का नाम सुना तो दर्शन के लिए उनके आश्रम में गई। गुरु रविदास का उपदेश सुनकर उनका मन शांत हो गया। रानी ने गुरु रविदास से प्रार्थना की कि मुझे अपने शिष्या बना लीजिए। उन्होंने बार बार रानी को मना किया कि मैं चमार हूँ और आप क्षत्रिय वंशी हैं, आप किसी ब्राह्मण की शिष्या बन जाएं। रानी झाली ने बहुत हट किया और अपना संकल्प व्यक्त किया कि आपको ही गुरु बनाऊंगी, ऐसा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गुरु रविदास ने फिर कहा कि अपने से ऊंची जाति वाले का शिष्य होना चाहिए। तब झाली ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु का होना नियम है। जैसे सुखदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया। झाली रानी को योग्य समझकर गुरु रविदास ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। कुछ दिनों के बाद गुरु से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़ लौट गई और अपने पति को सारा हाल सुनाया। रानी झाली के पति के मन में भी गुरु रविदास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। रानी ने पति से अनुरोध किया कि वे गुरु रविदास को राजमहल में आमंत्रित कर सत्संग करवाएं। राणा कुंभा ने रानी की बात मानी और वजीरों को गुरु रविदास को बुलाने के लिए भेज दिया। गुरु रविदास को सम्मान सहित चित्तौड़ में बुलाया गया। चित्तौड़ में गुरु रविदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया। दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया। ये भी कहा गया कि सबको एक एक स्वर्ण की मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। काफी लोग भंडारे में पहुंच गए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय जाति अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन मत ग्रहण करो। पंक्तियों में से सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। सबने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। इस प्रकार बहुत वाद विवाद होने लगा। तब गुरु रविदास ने एक शिष्य को भेजा और कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, जैसे इनकी रीति है उसके अनुसार ही इनको भोजन करवा दो। गुरु रविदास की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया। गुरु रविदास विराट रूप धारण कर एक एक विप्र के साथ बैठकर भोजन करने लगे। जितने विप्र बैठकर भोजन कर रहे थे, गुरु रविदास ने अपने उतने ही शरीर धारण किए। यह देखकर जाति अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया। सब विप्रों ने आपस में विचार करके गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। गुरु रविदास ने विप्रों से कहा कि प्रभु की भक्ति करो, सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार ही शुद्र है।